कल दिनांक 11 जनवरी 2022 को थाना अचलगंज में नीरज गुप्ता ने जाके एक प्रार्थना पत्र दिया कि उनसे 1.5 लाख रुपये लेकर के रुपया दुगना करने के लिए मांगा गया और मांगने पर नहीं दे रहे हैं। उस उनकी तहरीर पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया जिस पे थाना प्रभारी त्वरित एक्शन लेते हुए और उस पर कार्रवाई किया। तो इसमें रंजीत यादव और राजीव चंचल उर्फ चौथी बाबा इनके पास से 500 रुपये नोट की 1,28,000 रुपये नकली करेंसी और नोट छापने की मशीन बरामद हुई है। इस पे एक और अभियोग पंजीकृत करके आगे कार्रवाई की जा रही है। सर, ये समझना चाहेंगे कि जो बाबा पकड़ा गया है ये कब से काम कर रहा था और कहाँ कहाँ इन्होंने नोट एक्सचेंज किए? देखिए, इसके बारे में अभी जांच चल रही है लेकिन निश्चित ही चूंकि इनके पास एक पूरा नोट छापने के सिस्टम है तो हो सकता है ये काफ़ी परहेज कर रहे हों, लेकिन अभी इस पर जाँच की जा रही है। इनके साथ इनकी टीम में और कौन कौन लोग रहे हैं ये क्या अभी जांच में सामने आ पाया? अभी तो 2 ही लोग आए हैं लेकिन और इस पर गंभीरता जांच की जा रही है। जितने भी डायमेंशन होंगे उस पर जो जांच करने के बाद कार्रवाई की जाएगी। केवल 500 की नोट ही छापी जा रही थी? अभी तक फिलहाल 500 की ही नोट बरामद हुई है। आगे जाँच चल रही है क्या इनके पास और कोई डाइस है, कुछ और मिलती है तो उसको देखा जाएगा। नहीं, अभी तक इस पर अभी गहराई से जाँच की जा रही है लेकिन अभी 500 रुपये की नोट और ये वगैरह मिले हुए हैं।